भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने शनिवार को जयपुर के शीश के मिश्रित एक निजी होटल में अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया। मौके पर प्रदेश भर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रोडक्शन कर्ताओं को भी बुलाया गया। अवसर पर प्रदेश से सैकड़ों की संख्या में उत्पादन करता पहुंचे। स्थापना दिवस कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में अनिका कालिया और IAS अजिताभ शर्मा रहे। कार्यक्रम के दौरान IAS और जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के CMD अजिताभ शर्मा ने कहा कि BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। जिस तरीके से पूरी वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं, उसके हिसाब से देश के उद्योगों और व्यापार के लिए गुणवत्ता जरूर जरूरी है। BIS बहुत बड़े स्तर पर कार्य कर रहा है, इसके बाद भी इसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता जरूरी हो जाती है। देश के उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगियों की भूमिका अधिक से अधिक निभाएं और आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करें। वहीं BIS प्रदेश प्रमुख कनिका कालिया ने कहा कि देश के निर्माण में BIS की भी एक अहम भूमिका रही है। हम मानकीकरण, गुणवत्ता और क्वालिटी का बहुत ही अच्छे से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कालिया ने बताया कि BIS पिछले 3 साल से प्रदेश में मैन्युफैक्चरर्स की गुणवत्ता और क्वालिटी पर फोकस कर रही है। आज स्थापना दिवस के भव्य समारोह में उच्च गुणवत्ता वाले स्टैंडर्ड और मैन्युफैक्चरर्स के मोमेंटो देकर उनका सम्मान भी किया गया। बताया कि राष्ट्र की प्रगति में BIS की एक अहम भूमिका रही है। कालिया ने बताया कि ग्राहकों को चाहिए कि वे कुछ भी लेते या खरीदते समय ISI मार्क जरूर देखें और कुछ गलत होने पर ऑनलाइन या BIS के कंप्लेंट नंबर पर तुरंत शिकायत करें। बताया कि ग्राहकों द्वारा आई गई शिकायतों का तुरंत निस्तारण करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। वहीं पर दुकानदार, मैन्युफैक्चरर्स और संबंधित व्यक्ति या फर्म पर या प्रतिष्ठान पर कानूनी कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाएगी। कार्यक्रम में CPWD के चीफ इंजीनियर NK बंसल ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड जीवन में बहुत जरूरी है। भारत सरकार के प्रयासों से अनुरूप ही BIS अपना कार्य कर रही है। नई नई चीजों पर आमजन को कई प्रकार के कन्फ्यूजन आने लगे हैं ग्राहकों के लिए। बंसल ने संदेश भी दिया। संदेश में बंसल ने कहा कि आपको नॉन स्टैंडर्ड वाली चीज़ें सस्ती जरूर मिल जाएंगी, किंतु आप क्वालिटी के साथ समझौता नहीं कर सकते। कार्यक्रम के दौरान BIS द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। BIS का ये 77वां फाउंडेशन डे हम लोग आज मना रहे हैं। ये बेसिकली इस इंस्टीट्यूशन की एक गरिमामय जो उपस्थिति इस राष्ट्र के निर्माण में रही है, उसको एक तरह से हम सेलिब्रेट करने के लिए मना रहे हैं। इस राष्ट्र के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में और जो ग्राहकों के लिए लेके हम जो सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए जो प्रोडक्ट्स हम बनवाते हैं मैन्युफैक्चरर से, उसको देखते हुए आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। सभी उन स्टेक होल्डर्स के कह सकते हैं जो उनका कंट्रीब्यूशन है इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट के लिए, उसको सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं। आज हमारे पास BIS स्टैंडर्ड्स क्लब के माध्यम से भी बहुत सारा प्रचार प्रसार हो रहा है मानकीकरण का, क्वालिटी का, गुणवत्ता का। उसको लेके भी आज हमने नेशनल लेवल के जो क्विज कंपटीशन के विनर्स थे उनको आज यहाँ सेलिब्रेट किया, उनको आज हमने प्रोत्साहित किया है। हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से लोग जुड़े हैं, बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री है जो कंसिस्टेंट रूप से क्वालिटी बनाती जा रही है। पिछले 3 सालों में जिनकी अच्छी क्वालिटी रही, उन मैन्युफैक्चरर्स को भी आज हमने यहाँ पर एक तरह से फेलिसिटेट किया है। तो BIS का हमेशा से ये मानना है कि ये राष्ट्र की प्रगति में स्टैंडर्ड्स की एक बहुत ही महती भूमिका है। हम सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर, चाहे वो ग्राहक हों, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हों, चाहे वो और भी तरह के टेक्निकल रेगुलेटर्स हों, लैब से रिलेटेड हमारे एक्सपर्ट्स हों, साइंटिस्ट हों, उन सबसे मिलके ही हम इस राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो BIS फाउंडेशन डे को आज हमने इसी तरह से मनाया है कि सभी तरह के स्टेक होल्डर्स की महत्वपूर्ण भूमिका को एक तरह से प्रदर्शित करते हुए हम चाहेंगे कि देश से गुणवत्ता की डिमांड हो और BIS इस गुणवत्ता की डिमांड को अपने मार्क के ISI मार्क, हॉल मार्क इत्यादि के माध्यम से पूरी करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आजकल जो विश्व की एक इम्पॉर्टेंट मांग है, स्टैंडर्ड्स वैसे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रॉस्पर करने में या बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। BIS के जो मानक हैं उसमें ऑलरेडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड हैं। उसमें बात की जाती है कि कैसे आप रॉ मटेरियल का एक तरह से कंजर्वेशन कर सकें, कैसे आप रिसाइकलिंग करें, कैसे रीयूज करें। बहुत सारी गाइडलाइंस BIS ने भी हाल ही में ही इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को
और SDGs को पूरा करने के लिए प्रकाशित की हैं। तो इन सभी सेशंस जो आज हम ऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उसमें इन सभी चीज़ों की बात होगी। ग्रीन हाइड्रोजन की हमारे यहाँ बात होगी, प्लास्टिक रिसाइकलिंग की बात होगी। तो ये सारी चीज़ें भी आज हम सस्टेनेबिलिटी के जितने एस्पेक्ट्स हैं उनको आज सेशंस के दौरान कवर कर रहे हैं। देखिए, आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया था BIS के जयपुर ऑफिस ने, एक बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का कार्यक्रम था और मुझे यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लगा। और विशेष रूप से जो सभी स्टेक होल्डर्स यहाँ मौजूद थे, इंडस्ट्री के लोग भी थे, एकेडमिया से भी लोग थे और काफ़ी बच्चे भी थे जिन्होंने यहाँ पे इसमें क्विज में पार्टिसिपेट किया और जो कि विनर्स थे। तो इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होने से जो स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्डाइजेशन के जो इश्यूज़ हैं, जो ये विषय है, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि जिसके बारे में और अधिक से अधिक अवेयरनेस और प्रचार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता, और जो ओथ भी आज दिलाई गई, मैं समझता हूँ कि जो बहुत ही कम उम्र से जो जैसे बच्चे जिन्होंने क्विज भी में भी पुरस्कार प्राप्त किया है, ये आगे जाकर के एक ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं इस विषय का, और ये बहुत ही आवश्यक है। और जिस तरीके से जो पूरी वैश्विक परिस्थिति बदल रही है, जैसे मैं अभी अपने उद्बोधन के समय भी कह रहा था, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में, तो ये अति आवश्यक है कि जो हमारे देश के उद्योग हैं, जो यहाँ का व्यापार है, जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, उस सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बदलाव आ रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन में, उनको हम कैसे अडॉप्ट करें। और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने अभी एक ये वीडियो क्लिप देखी और जो प्रेजेंटेशन में और जो कनिका जी के उद्बोधन के समय भी बताया गया कि BIS ऑलरेडी बहुत बड़े स्तर पर इस प्रकार के कार्य कर रहा है, तो इसकी और अधिक प्रचार की आवश्यकता है ताकि हमारा उद्योग है वो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना कॉम्पिटिटिव बने इंटरनेशनल एरेना में, डोमेस्टिक एरेना में। और मैं धन्यवाद दूंगा BIS की जो पूरी टीम है, कनिका जी के जो सुपरविजन में काम कर रही है, और जो सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे, एक बहुत ही अच्छे और उत्कृष्ट श्रेणी के कार्यक्रम का आयोजन हुआ और मुझे खुद को भी काफ़ी सीखने को मिला आज। BIS को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ 77 फाउंडेशन डे पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब चाहे हम कॉमन लाइफ में हो चाहे इंजीनियरिंग की बातें करें। और स्टैंडर्ड्स एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो चीज़ें में रिप्लेस करने में दिक्कत आती है, या एक मतलब उसको कंपेयर करने में दिक्कत आती है। तो BIS एक बहुत अच्छा काम कर रही है उस चीज़ में, और भारत सरकार का भी ये एक प्रयास है कि मतलब इस तरह के स्टैंडर्डाइजेशन हो, जिससे कि हम चीज़ों को आराम से सब चीज़ों को रिप्लेस भी कर पाएँ, या नई नई चीज़ें पर हम लोगों को एक कन्फ्यूज़न आ रहे। तो मैं BIS को बहुत बहुत इस 77 फाउंडेशन डे पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ग्राहकों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि ग्राहकों मार्केट में अगर आप जाएंगे तो दोनों तरह की चीज़ें मिल रही हैं, बिना स्टैंडर्ड्स की भी स्टैंडर्ड की है। जिस चीज़ का स्टैंडर्डाइजेशन, तो ग्राहक भी कंफर्टेबल फील करता है, और ग्राहकों से भी मेरा यही अनुरोध है कि वो सिर्फ स्टैंडर्ड्स पर जोर दें और जो BIS प्रोडक्ट है वही यूज़ करें। क्योंकि इसमें यह तय है कि BIS प्रोडक्ट अगर यूज़ करेंगे तो क्वालिटी तो मिलनी ही मिली है। कई बार चीज़ें बाज़ार में मिलती हैं जो नॉन स्टैंडर्ड हैं, सस्ती भी मिल जाती हैं, बट वो क्वालिटी नहीं मिलती है। BIS अगर कोई चीज़ स्टैंडर्ड की चीज़ है तो डेफिनेटली आप मान के चलिएगा कि वो चीज़ क्वालिटी होगी ही होगी। तो मेरा ग्राहकों से यही है कि और प्रयास करें, लोगों को मोटिवेट करें कि सभी आसपास में सभी लोग एक क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदें, और जो जिस चीज़ का BIS सर्टिफिकेशन है या मार्किंग है वो तो ज़रूर परचेज़ करें, तो जिससे कि उनको एक सही रेट पर अच्छी चीज़ मिल सके।